हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आई एम निखिल एंड आज थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके थोड़े क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। आप देख रहे हैं कि पिछले करीब एक साल होने को और कोरोना वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और वैक्सीन्स हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और उनके बारे में अभी भी इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। टेस्टिंग चल रही है और अभी भी कितनी परसेंटेज सफल होगी कितनी नहीं होगी अभी इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे FCAT, CDS, NDA वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव, उन सभी एग्ज़ाम्स में कोरोना वायरस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोरोना वायरस के बारे में हम थोड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हमारे ये टॉप 25 क्वेश्चंस हैं और देखते हैं आप कितना जवाब दे पाते हैं इनमें से। ये एक तरीके से क्विज है, क्विज की तरह आप इसे ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। हमारा पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ डिजीज़ बाय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जो डिजीज़ फैलता है, कौन सी बीमारी है जो फैल रही है वो तो हमें सबको पता ही है, वो है ऑब्वियसली कोविड-19। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट नेम इज़ गिवन कोरोना वायरस बाय साइंटिस्ट। तो वैज्ञानिकों ने कौन सा नाम दिया है कोरोना वायरस को। कोरोना वायरस तो एक वायरस है जिसकी वजह से बीमारी होती है, तो इस बीमारी का नाम है SARS-CoV-2। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और सार्स जो है इसकी फुल फॉर्म है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसको इस फुल फॉर्म को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है, पेंडेमिक, एंडेमिक या एपिडेमिक या स्पोरेडिक। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है। तो स्पोरेडिक को सबसे पहले बताते हैं कि स्पोरेडिक क्या होता है, कि छोटे एक पार्टिकुलर एरिया में, किसी कंट्री के मान लो किसी सिटी में या किसी दो चार गाँव को मिलाकर किसी एक छोटे एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी फैलती है तो उसको पहले स्पोरेडिक कहा जाता है। अगर वही मान लो कोई और बीमारी, दूसरी उसी तरीके की कोई और बीमारी अगर वो एक कंट्री में फैलती है या बहुत सारी स्टेट्स में फैलती है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जब कोई बीमारी एक कंट्री या आसपास के एक दो और कंट्रीज़ में फैल जाती है। लेकिन कोई बीमारी अगर पूरे वैश्विक स्तर पर फैलती है तो उसको वैश्विक महामारी का नाम दिया जाता है जिसे इंग्लिश में पेंडेमिक कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर अवेयरनेस ऑफ कोविड-19। तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले, वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने किस ऐप को कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए लॉन्च किया है। तो उसका नाम है कोवा पंजाब। कोवा पंजाब की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस अलर्ट। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौरे। आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन नोवल कोरोना वायरस 2। तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है कोरोना वायरस 2 में। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, नेगेटिव सेंस डबल स्ट्रैंडेड RNA, पॉजिटिव सेंस डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो इसका ऑप्शन है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट कोविड-19 डिक्लेयर्ड पेंडेमिक बाय WHO। तो WHO ने कौन से दिन, किस डेट को कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। तो उसका ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन 11 मार्च 2020। ये एक्चुअली सबसे पहला मामला चाइना में आया था, उसके बाद में धीरे धीरे ये और कंट्रीज़ में भी फैलने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यातायात करते हैं, या चाहे अपने बिजनेस के लिए चाहे जॉब्स के लिए। और दूसरे एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था 22 मार्च को, लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 22 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। फीवर आता है, जी बिल्कुल। कफ, खांसी आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम, सांस लेने में कठिनाई। तो ऑप्शन डी, सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, सार्स कोविड 2 इज स्प्रेडेड बाई। तो कोविड-2 जो है सार्स कोविड-2 किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन ए फैकल ओरल रूट फैलता है, यस। एयर ड्रॉपलेट्स, ये भी यस है, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कोरोना वायरस 2 के बारे में, ट्रू स्टेटमेंट के बारे में, हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में आप गौर कीजिए और बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इट्स ऑर्डर इज नाइडो वायरल, इट बिलोंग्स टू फैमिली कोरोना वायरल, इट बिलोंग टू सब फैमिली ऑर्थो कोरोना वायरल। तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, हैंस आर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स फॉर कोविड-19 इज टिपिकली अराउंड। तो कितने समय तक कोरोना का इफेक्ट रहता है बॉडी में एक बार कोरोना के संपर्क में आने से? तो वो है 2 से 14 दिन। विच एंटी HIV ड्रग्स आर करंटली यूज फॉर कोरोना वायरस 2 ट्रीटमेंट। तो अभी फ़िलहाल तक, अभी तो खैर एक मतलब बहुत सारी वैक्सीन्स आ चुकी हैं मार्केट में, लेकिन पुराने स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सी ड्रग एंटी HIV ड्रग थी जिसको पहले इस्तेमाल किया जा रहा था कोरोना वायरस 2 के ट्रीटमेंट के लिए? तो वो थी हमारी प्रोटीज़ इनहिबिटर। अभी तो बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, जैसे कोवैक्सीन है या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कि हमारी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही है। इंडिया में भी 2-3 तरीके की वैक्सीन बनाई जा रही हैं। और फाइजर तो अपनी फाइजर एक कंपनी है अमेरिका की जो अपनी वैक्सीन मार्केट में लॉन्च भी कर चुके हैं और उन्होंने अभी अप्रूवल मांगा था इमरजेंसी के लिए इंडिया में यूज़ करने के लिए। और इससे पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रशिया ने उसको मार्केट में लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुतनिक-V। और इंडिया में अभी 3 अपनी खुद की वैक्सीन बना रहे हैं हम लोग, बट अभी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आने बाकी हैं। 3rd स्टेज का ट्रीटमेंट का जो हमारा एग्जामिनेशन है वो चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, अब जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आने वाली है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 किस तरह का वायरस है? DNA, RNA या बोथ या इनमें से कोई नहीं? तो RNA वाला वायरस है ये। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो आवर ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ R इन SARS-CoV-2? तो हमने इसकी फुल फॉर्म पहले ही बताई थी, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो R की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे कि R की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की जिसके अंदर बहुत सारे वायरस हैं, जैसे कि जिन वायरसों की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे सार्स, मर्स और कोविड-19 जो अभी चल रहा है। ये SARS-CoV-2 जो है, जो ये वाला, इसकी वजह से हमारा कोविड-19 फैला हुआ है अभी। लेकिन मीज़ल्स जो है इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से नहीं फैलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ मीज़ल्स। जो सार्स और मर्स जो हैं ये पहले भी फैल चुके हैं। सार्स कोरोना वायरस सबसे पहले 2002 में चाइना में फैला था। मर्स 2012 में, ये भी कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस एक बता रहे हैं हम अगेन, सिर्फ कोविड-19 नहीं फैला है, इससे पहले और फैल चुका है। 2012 में ये अपने मिडिल ईस्ट में फैला था। कोविड-19 सबसे पहले चाइना में फैलने के बाद में पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक है, अभी हम सबको जानकारी है इस बारे में। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। और कोविड-19 के बारे में बताएं तो चाइना का एक शहर था वुहान, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इसका नाम कुछ स्टेटमेंट्स में वुहान वायरस का नाम भी दिया जाता है। विच टेस्ट इज़ डन फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस की जांच करने के लिए? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, RT-PCR टेस्ट, PANCA टेस्ट, RAST टेस्ट, पैच टेस्ट। तो पहला ऑप्शन जो है RT-PCR, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लो लिख देता हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ए, RT-PCR टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज कोरोना वायरस नेम्ड कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस ही क्यों रखा गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर लाइक क्राउन, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर लाइक फ्लावर, ऑप्शन सी सरफेस लाइक फिंगर, नन ऑफ दीज। देखिए आपने कभी न्यूज़पेपर वगैरह में या न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा, कोरोना का जो पिक्चर है वो करीब इस तरीके से दिखाया जाता है कि सर्कल होता है और उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं इस तरीके से। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं ये प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। और ये अगर हम क्राउन की बात करें, क्राउन जो होता है उसमें भी इस तरीके के स्पाइक्स होते हैं। इसी वजह से इसको क्राउन की स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रक्चर लाइक क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट केस कोविड-19 रिपोर्टेड इन इंडिया? तो इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे पहला कोरोना का मामला आया था? तो वो था केरला, क्योंकि केरला की एक लड़की स्टूडेंट वो चाइना में स्टडी कर रही थी और जब कोरोना फैला था उसी समय पर वो लड़की इंडिया में आई थी। तो वो वुहान में ही थी जो कि एपिसेंटर था इस बीमारी का, और यहाँ पे आने के बाद में कोविड-19 सबसे पहले केरला में फैला था उस लड़की की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विच न्यू हेल्पलाइन नंबर टू हेल्प रिगार्डिंग कोरोना वायरस? तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कौन सी हेल्पलाइन जारी की है कोरोना वायरस के लिए? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई बीमारी है, इस तरीके की कुछ शिकायत है, तो आप कौन से नंबर पे, हेल्पलाइन पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, 1075 इज़ द न्यू हेल्पलाइन नंबर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ब्रेक द चेन कैंपेन टू फाइट कोविड-19? तो सबसे पहले ये ब्रेक द चेन कैंपेन स्टार्ट किया था ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, लोगों एक दूसरे से संपर्क में ना आए लोग। तो इस वजह से कौन से स्टेट ने ब्रेक द चेन कैंपेन स्टार्ट किया था? तो वो है ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे पहला मामला केरला में आया था, इस वजह से केरला ने ब्रेक द चेन कैंपेन स्टार्ट किया था टू फाइट कोविड-19। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ केरला। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सेट अप इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन विच सिटी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है उन्होंने एक हॉस्पिटल कोविड-19 को डेडिकेटेड करते हुए कौन से शहर में अपना हॉस्पिटल बनाया था? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ पुणे, और हॉस्पिटल का नाम है सेवन हिल्स हॉस्पिटल, ये पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कर्फ्यू इन द एंटायर स्टेट ड्यू टू कोविड-19? तो पहला स्टेट कौन सा था जिसने लॉकडाउन लगाया था कोविड-19 से फाइट करने के लिए? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले पंजाब ने कर्फ्यू लगाया था, लेकिन इससे पहले केरला में जब मामला आया था तो उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था, सिर्फ ब्रेक द चेन, लोगों से अपील करी थी कि आप अपने घर में रहें, सिर्फ वो एक अपील थी। और यहाँ पे क्या है, इम्पोज किया गया था कर्फ्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच मेडिसिन हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय ICMR फॉर कोरोना वायरस? तो स्टार्टिंग में हमने काफ़ी सुना था इस दवाई के बारे में, अमेरिका जैसे देशों ने भी इस दवाई की मांग करी थी और हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट की थी ये दवाई स्टार्टिंग में। ICMR क्या है? ICMR की फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी दवाई है। सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इस दवाई की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। इवन यूएसए ने तो ये भी बोल दिया था कि वी विल इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू, और इस तरीके से कुछ ट्रंप ने कुछ उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स भी दे दिए थे इस बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक अनाउंस टू प्रोवाइड 0.25% ऑफ इट्स एनुअल प्रॉफिट टू कोविड-19। तो 2020-21 में जो भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का 0.25% ऐसा कौन सा बैंक है जो देने को तैयार है टू फाइट कोविड-19। तो हमारे पास ऑप्शन है ICICI बैंक, SBI, HDFC या एक्सिस बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन इज SBI बैंक। SBI बैंक ने 2020-21 में बोला है कि 2020 और 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 0.25% जो भी प्रॉफिट होगा उसका कोविड-19 से लड़ने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं उस टाइप के एग्ज़ाम्स में, जैसे बैंक PO, बैंक के क्लर्क वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस को आमतौर पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रज्ञाम ऐप टू इश्यू ई पासेस टू दोज वर्किंग इन डिलीवरी ऑफ इसेंशियल सर्विस। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो लॉकडाउन लगाने के बाद लेकिन कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं जैसे खाने पीने की चीज़ें या फिर दवाई वगैरह की जो सर्विसेज हैं उनको तो देना ज़रूरी था लोगों को, तो लोगों को बाहर निकलना अलाउ नहीं था। लेकिन एक स्टेट ने एक ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का नाम है प्रज्ञाम ऐप। तो वो कौन सा स्टेट है जो ई पासेज इश्यू करने के लिए टू डिलीवर इसेंशियल सर्विसेज, इस ऐप को किस स्टेट ने लॉन्च किया था। तो वो हमारे पास ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले ये ऐप इस्तेमाल किया था झारखंड ने। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए झारखंड। हमारा लास्ट क्वेश्चन PM केयर फंड के रिलेटेड है। तो PM केयर फंड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है और इस फुल फॉर्म में आर का क्या मतलब होता है। तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी रहा है। PM केयर फंड का इस्तेमाल नहीं कर रही है गवर्नमेंट, या फिर इसका इस्तेमाल जिस चीज़ के लिए ये बना है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो खैर डिफरेंट मैटर है। बट हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। PM केयर्स फंड की फुल फॉर्म क्या है। PM केयर्स इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो R फॉर रिलीफ, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C रिलीफ। तो ये थे हमारे R बेस्ट 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में कोरोना वायरस से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। खास तौर पर वो लोग जो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, NDA CDS, इस तरीके के एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आए हैं ये क्वेश्चन तो लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आपके आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। तो 25 क्वेश्चंस थे हमारे ये, और कुछ और क्वेश्चंस बच गए हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसकी वजह से हमने इस वीडियो को छोटे करने के लिए सिर्फ इसमें 25 क्वेश्चंस ही डाले हैं। और हाँ, और एक बार वीडियो को देखने के बाद इसके आप क्वेश्चंस के नोट्स बना सकते हैं, फिर आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को, और आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे, और कोरोना वायरस के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे कौन सी वैक्सीन आ रही है, इंडिया कौन सी वैक्सीन बना रहा है और कौन सी वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा। आप वीडियो देखिए एंड आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।